एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक रोहटा में स्थित अरनावली गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने बिट्टू सिंह को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 3000 की आबादी वाले इस गाँव की जिला मुख्यालय से दूरी 15 किलोमीटर तथा ब्लॉक से दूरी 6 किलोमीटर है। लगभग 2260 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर व प्राइमरी विद्यालय में लगभग 135 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 20 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 81 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, शमशान घाट, स्कूल में मरम्मत, पानी निकासी के लिए नाला, पुलिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, बस स्वच्छ भारत मिशन के तहत 264 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में स्वास्थ्य केंद्र का रोड, पानी निकासी के लिए 500 मीटर नाला, बच्चों के लिए स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैंने जो कार्य कराए हैं 264 शौचालय बनवाए हैं, 6 टाइल के रास्ते बनवाए हैं और जी नाली और जी एक शमशान घाट बनवाया है और जी शमशानों में जो है पेड़ पौधे लगवाए हैं और जी कुछ रास्ते रिपेयर करवाए हैं, कुछ नाली जो गली जो है वे जो है वैसे करवाई हैं ईंटों की और जी लाइटें लगवाई हैं और जी ये स्लेब वगैरह डलवाई हैं, ये काम करा है। हमारे यहाँ की मांग जो है कम से कम 20 तो नल चाहिए और जी एक 500 फुट का नाला है उसके लिए डिमांड है और जी एक 500 फुट का स्कूल का रास्ता है उसकी डिमांड है। बस केंद्र पे जो है एक रास्ते की डिमांड है।